नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स, और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल टाइम नेशनल क्रश, और दिल्ली नेशनल कैपिटल में नेशनल क्रश का स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा वन एंड ओनली लेजेंडरी एक्ट्रेस अमीषा पटेल जी। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले तो आपका दिल्ली शहर में, दिलवालों के शहर दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है, और एक अच्छा इनिशिएटिव के साथ आप आ रहे हैं, और एक ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ भी ये जाता है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं 1.1 जो मैरीन एनिमल है, मिलियन मैरीन, वो मरते हैं इसी प्लास्टिक बॉटल अगर हम यूज़ करते हैं। तो ये इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब गो ग्रीन की तरफ? सुपर सुपर इनिशिएटिव है ये, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हर कंपनी को ये अडेप्ट एंड अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि यू सी ग्लोबल वार्मिंग हो, पोल्यूशन हो, हर चीज़ इज़ अटैच टू बींग यू नो नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और अगर ऐसे कंपनीज ये इनिशिएटिव ले, द वर्ल्ड विल बी अ हेल्दियर प्लेस टू लिव, एंड ऑफ कोर्स ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ द बॉडी इज़ अ हेल्दियर प्लेस टू लिव फॉर अस, यू नो। तो मैम, हमने देखा फिटनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपका रुझान है, और हम ये भी देखते हैं कि आप मोटिवेट भी करते हैं यंगस्टर्स को, और दिख भी रहा है वो तो सामने सभी ऑडियंस को भी। तो मैम, मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी आप 22 साल बाद दोबारा से आप वापस आ रहे हैं, तो नाराजगी भी है थोड़ी सी कि गदर 2 को इतना, हाँ गदर के साथ, गदर के साथ, गदर 2001 में आई थी, तो 22 साल क्यों लग गए, मतलब उसका इतना टाइम या प्रोसेस? आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पूछना पड़ेगा, शायद उनको कहानी नहीं मिली, शायद ये मौका उनको सही लगा। अभी आप टॉम क्रूज से थोड़ी पूछोगे कि टॉप गन आप 30 साल बाद क्यों लाए, एक वजह तो होगी, उनको कहानी एक सही वक्त पे मिली होगी, है ना। तो मैम, जो पहले वाली गदर थी और जो अभी वाली गदर है, आपको कौन सी वाली सकीना ज्यादा आपकी फेवरेट है, ये वाली है? सकीना ही फेवरेट है, वो सेम ही है दोनों फिल्म में, सकीना सकीना तो रहेगी। तो मैम, ये पूछना चाहूंगा कि सनी सर के साथ दोबारा से काम करके इतने टाइम बाद कैसा अनुभव रहा, और किस तरह से? सनी जी मेरे एक फेवरेट हीरो है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जेंटलमैन, और जर्नी हमारा बहुत खूबसूरत रहा है, पहले गदर में भी और अब दूसरे गदर में भी। जी मैम, काफ़ी ना चेंजेस आए हैं इस वाली गदर में, काफ़ी हमारे साथ लेजेंडरी एक्टर जो पिछले पार्ट में थे इस बार नहीं है, कुछ चेंजेस आए, और जो चरणजीत हैं वो भी अब बड़े हो गए हैं, तो उनकी एक अलग कहानी है। तो ये जो 2.0 है, गदर 2.0 का जो वर्जन अभी नया सा आ रहा है, तो उसको, उसके लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड, और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज़ होने वाली है 11 तारीख को? मैं तो अपनी हर फिल्म के साथ एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है यू नो फिल्में बनाने के लिए, पर्दे के पीछे जो मेहनत जाती है लोगों को दिखता नहीं है, बट ऑफ कोर्स गदर के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो उसको लेकर एक्साइटेड भी हूँ और डरी भी हुई, क्योंकि लोगों को इतनी दिल पे छूने वाली जो गदर 1 थी, उनके दिल में जो बसी हुई फिल्म है, आई होप कि गदर 2 एक्सपेक्टेशंस मैच कर सके। बिल्कुल, और हमारे साथ थे अमीषा मैम, और जैसे 2001 में क्रेज था गदर का, और कर 10 गुना ज़्यादा कीमत जो है, 10 गुना ज़्यादा जो जितने भी कलेक्शन थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रही थी, और मेरे को लगता है कि उससे डबल जो है क्रॉस करेगी बॉक्स ऑफिस पे, ऑल टाइम हिट करेगी। तो दोस्तों, हमारे साथ अमीषा पटेल थी, और काफ़ी अच्छा इनके साथ मिलकर लगा, काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन थे। तो इस शो में, इस एपिसोड में दोस्तों, इतने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, धन्यवाद।